हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब मज़े में ना? नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और यह वीडियो आपका त्रिकोणमिति चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे आज कि त्रिकोणमिति चैप्टर से कितने नंबर्स का क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन सा फार्मूला कन्फ्यूजन करता है, उसको कैसे यूज करना है, उसको कैसे बनाना है, फार्मूला में कैसे पुट करते हैं, ये सभी हम लोग बारीकी से सीखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले वाला वीडियो हम लोगों ने इस समकोण त्रिभुज के बारे में जान चुका था, लेकिन फिर भी हल्का सा यहाँ पे हम लोग रिपीट करेंगे। रिपीट क्या करना है दोस्तों? जो तो हम लोग जान ही रहे हैं, फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। बी आपका परपेंडिकुलर है, बी आपका बेस है, और ए आपका हाइपोटेनियस है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ रहा है, ये आप लोग जान चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग इसका पूरी तरह से भी यूज करेंगे सभी का, इसलिए हल्का सा हमने रिपीट किया, टाइम नहीं गवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे और ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति टॉपिक्स में या इस चैप्टर में मार्किंग स्कीम कैसा होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्किंग स्कीम 3 स्टेप में है, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स और 1 6 मार्क्स का है। तो देखेंगे 3 मार्क्स कौन सा टॉपिक्स में आता है। सर, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से 3 मार्क्स का है। इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन 1 ठो रहता है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन 1 ठो रहता है। इस तरह 1 और 2 ऐड कीजिएगा कितना आएगा दोस्तों? 3 मार्क्स का आएगा। उसके बाद देखेंगे आपका ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज से 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना क्वेश्चंस रहता है? मात्र 1 क्वेश्चंस रहता है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन रहता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, कितना मार्क्स का रहता है? 6 मार्क्स का रहता है, 6 नंबर का रहता है। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहता है? मात्र 1 क्वेश्चन। तो ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या बोला, यहाँ पे 2 क्वेश्चन रहेगा जो 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का रहेगा। सेकेंड स्टेज में 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। फिर हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का रहेगा। इस तरह से कितना मार्क्स का क्वेश्चन हो गया दोस्तों आपका? आपका क्वेश्चन हो गया टोटल 12 मार्क्स का। तो यहाँ से आपको 12 मार्क्स मिलेगा। तो ये समझ में आ रहा है दोस्तों? तो अब हम लोग इसको यूज करना कैसे है उसके बारे में जानेंगे। नंबर कहाँ कहाँ से आता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। चलिए, उससे को जानने से पहले एक टॉपिक्स है अभी टोटल इस वीडियो में इसका यूज होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल्स का, अनुपूरक कोण का। ठीक है दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात अभी हम लोग जितना पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए अभी हम लोग समझेंगे कि अनुपूरक कोण क्या होता है। तो दोस्तों, इसको ठेठ भाषा में आप समझिए कि 2 कोणों का जोड़ जब 90 डिग्री हो जाता है तो वह अनुपूरक कोण कहलाता है या पूरक कोण कहलाता है। अगर आप उसे इंग्लिश में बोलिएगा तो कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कब? जब 2 कोणों का जोड़ कितना हो दोस्तों? 90 डिग्री। तो यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे दोस्तों, ए और सी को जोड़े तो क्या मिला? 90 डिग्री। यानी ए और सी एक दूसरे का अनुपूरक कोण है या फिर पूरक कोण है या फिर कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री मिलता है। उसी तरह इसका 2-3 एग्जांपल है। 30 और 60 को जोड़ के देखिए 90 आएगा, 20 और 70 को जोड़ के देखिए 90 आएगा, थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा को जोड़ के देखिए 90 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हो गया? 30 और 60 एक दूसरे का अनुपूरक कोण है, 20 और 70 एक दूसरे का अनुपूरक कोण है, उसी तरह थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा एक दूसरे का पूरक कोण है, क्योंकि सभी को जोड़ने से कितना आ रहा है आपका? 90 डिग्री आ रहा है। सभी कहने का मतलब क्या हुआ? इसको जोड़िए 90 आएगा, इसको जोड़िए 90 आएगा, इसको जोड़िए 90 आएगा। तो ये पूरक कोण तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे, अब हम लोग इस समकोण त्रिभुज में आते हैं। इसको समझने के लिए हमने क्या किया? थीटा जो है हमेशा ए में रखेंगे, 90 माइनस थीटा हमेशा सी में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और इस पूरे वीडियो में हम लोग यही समझेंगे, थीटा मतलब ए पॉइंट में और 90 माइनस थीटा मतलब सी पॉइंट में। ठीक है दोस्तों, इससे पहले पहला वीडियो जो हम लोगों ने देखा था, ए बी क्या था? पी था, और बी सी क्या था? बी था, और ए सी क्या था? एच था। चलिए अभी पी और बी के बारे में भी हम लोग समझेंगे। ए सी हमेशा एच के ही रूप में रहेगा, ये हमें मान के चलना है। मान के क्या है? हकीकत है, हमेशा ए सी एच रहेगा यानी करंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखेंगे
ए बी ना कभी पी भी बनता है कभी पी भी बनता है। अब इस वीडियो में सीखेंगे बी सी ना कभी पी भी बनता है कभी बी भी बनता है। अब आप लोग बोलिएगा सर ये क्या बात कर दी आप, उससे पहले तो आप बोले थे कि ए बी पी होता है बी सी बी होता है, अब फिर ये बी बन जा रहा है, ये कभी पी बन जा रहा है, कैसे होगा? तो अभी हम लोग इसको सीखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, अगर थीटा ए में रहे तो पी बनेगा आपका बी सी और बी बनेगा आपका ए बी। उसी तरह अगर थीटा सी में रहे तो पी बनेगा आपका ए बी और बी बनेगा आपका बी सी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? चलिए इसको थोड़ा डिटेल समझेंगे, आखिर ऐसा क्यों होता है। लीजिए आ गया स्क्रीन में आपका, अब इसको समझेंगे। समकोण त्रिभुज तो ले लिए हैं दोस्तों ए बी सी, चूँकि पॉइंट ए और पॉइंट सी के वजह से चेंजिंग होता है। थीटा अगर ए में रहे तो पी कभी बी हो जाएगा, अगर थीटा सी में एक्सचेंज जैसे होगा तो बी कभी आपका पी भी बन सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको देखेंगे। पॉइंट हम लोग समझेंगे यहाँ पे, पॉइंट ए यानी एंगल ए और एंगल सी। चलिए एक बार ए में जाके बैठ जाते हैं, एक बार सी में जाके बैठ जाते हैं। चलिए दो बच्चे हमने बैठा दिया ए पॉइंट में और सी पॉइंट में, एक बच्चा ए पॉइंट में बैठा है एक बच्चा सी पॉइंट में बैठा है। तो अब उन बच्चों को हमने बोला बी सी पर एक ऐसा लंब डोरी खींचो जो हल्का सा इंटरसेक्ट बी सी को करता हो, और इसी सी पॉइंट में जो यहाँ एंगल है ए बी में एक ऐसा लंब खींचो जो ए बी को हल्का इंटरसेक्ट करके आगे बढ़ता है। उसी तरह ए पॉइंट में भी उसने बोला, यानी हम या आप जो भी उस बच्चे को बोला कि इस थीटा पे बैठो और बी सी पर एक लंब ऐसा खींचो कि बी सी को इंटरसेक्ट करने के बाद कुछ आगे तक जाए। उसी तरह ए बी की और भी एक लंब खींचो जो हल्का सा इंटरसेक्ट करने के बाद आगे जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करेंगे दोस्तों, अगर यहाँ इंटरसेक्ट हो गया तो इसको इतना लंबा नहीं कर देना है। इंटरसेक्ट करने का मतलब हुआ कि उसका लेंथ मेजर करेंगे इंटरसेक्ट के पॉइंट तक, यानी यहाँ तक इसका मेजरमेंट करेंगे यहाँ तक, उसी तरह इसका मेजरमेंट करेंगे सिर्फ यहाँ तक, उसी तरह इसका मेजरमेंट होगा सिर्फ यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? चलिए अब बी सी में आते हैं, पॉइंट सी में, एंगल सी में। यहाँ पे थीटा था ना दोस्तों, यहाँ बैठ के तो लंबवत रेखा खींचे ना एक ए बी को और एक बी सी को। देखिए बी सी को जो इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट लाइन क्या ये बोना है, बी फोर बोना, बी फोर तो बोया होता लेकिन यहाँ पे बी फोर बोना हम लोग समझेंगे, तो बी सी हो गया आपका क्या बी। तो अब देखेंगे ये रेड कलर जो लंबा जो गया किसको मारा, ये ए बी को, लंबा बोले तो लंब और लंब बोले तो पी, इसलिए बी क्या हो जाएगा आपका पी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए ए पर जो बच्चा बैठा है अब उसको बोल पूछते हैं कि ए बी को और लम जो पढ़ा था क्या था सर, वो बौना था इसलिए बी हो जाएगा बी। और इधर का जो लम जो पढ़ा ना ये काफ़ी लंबा था, किसको इंटरसेक्ट किया बी सी को, इसलिए बी सी हो गया पी। अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, जब थीटा ए पे रहे तो पी हो जाएगा बी सी और बी हो जाएगा ए बी, जब थीटा सी पर रहे तो पी हो जाएगा ए बी और बी हो जाएगा बी सी। देख रहे हैं दोस्तों? तो दोस्तों आप इस वीडियो पूरा देखने के लिए सबसे पहले अब सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए आगे देखते हैं कि इसका यूज़ क्या क्या है। अब थोड़ा सा एक चर्चा और करेंगे यहाँ पे। चर्चा क्या करेंगे दोस्तों कि अभी हम बार बार ये जो लाइनें खींचते हैं ना, अब लाइनें खींचना बंद करेंगे, चूंकि यहाँ पे तो हम लोग को समझ में आ गया। अब सिर्फ संकेत में काम करेंगे, सिर्फ ये इसका, जब थीटा ए पे रहे तो पी इज इक्वल टू बी सी और बी इज इक्वल टू ए बी, कैसे होते हैं समझ में आ गए? आप हल्का से आप नोट कर लीजिए कॉपी में, उसके बाद आगे वीडियो देखिए, आपको समझने में बहुत आसानी होगा। ठीक है दोस्तों, अब इस सभी का यूज जो है हम करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात पर। अब यहाँ से फॉर्मूला बनना चालू होगा जो बहुत ही आसान है दोस्तों। पहले देखेंगे साइन सी, साइन सी का वैल्यू क्या आएगा, साइन
साइन सी मतलब देख रहे हैं दोस्तों, संकेत मिल गया, यानी थीटा कहाँ पे, सी पर। जब थीटा सी पर रहे तो क्या मिलेगा, पी इज इक्वल टू ए बी और बी इज इक्वल टू बी सी, तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है, पी बटा एच। चलिए तो यहाँ पे थीटा कहाँ पे है आपका, सी पर है ना दोस्तों, तो पी के रूप में क्या हो जाएगा, ए बी, पी के रूप में ए बी हो गया, एच के रूप में ए सी हो गया। तो इसका मतलब क्या मिला आपको, थीटा कहाँ पे है, सी पर कितना थीटा है, 90 माइनस थीटा है ना, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए सी। चलिए कोस ए के बारे में देखेंगे, ए यानी कि यहाँ पे थीटा है, ए यानी कि थीटा ए में है, तो पी कौन हो जाएगा, बी सी, और बी कौन हो जाएगा, ए बी, ये तो हम लोग सीख चुके हैं। तो कोस थीटा को हम लोग जानते हैं क्या होता है, बी बटा एच, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बी के रूप में क्या आ गया, ए बी, और एच के रूप में क्या आ गया, ए सी। अब हल्का सा गौर कीजिए दोस्तों, साइन सी और कोस ए के बारे में, दोनों का वैल्यू देखिए जरा सा, आँख खोल के, क्या है, इक्वल है ना, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप बता सकते हैं, साइन सी और कोस ए क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए सी के जगह पे कौन लगा दिए, कोस ए के जगह पे कौन रुका हुआ है, कौन स्थिर है, थीटा, तो थीटा लगा दिए, यानी शॉर्ट टर्म में देखिए सी के जगह पे जो है उस थीटा लिख दीजिए, और ए के जगह पे जो है उस थीटा लिख दीजिए। तो आपको कौन सा फॉर्मूला, कोस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। अब नेक्स्ट फार्मूला की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट फार्मूला में क्या है दोस्तों, कोस 90 डिग्री, देखिए फिर डिग्री छूट गया, डिग्री दे दीजिएगा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, इसको अभी हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कोस सी मतलब समझ गए, आ गया सी यहाँ पे है, तो बी कौन हो जाएगा आपका, बी सी, और एच तो है जिंदाबाद, तो क्या हो गया, कोस सी के लिए बी बी बटा बी नहीं बी बी बोल रहे हैं बी सी बटा ए सी, कोस सी के लिए हो गया। अब देखेंगे हम लोग साइन सी के लिए, साइन सी नहीं साइन ए, तो ए के लिए देखेंगे, तो ए के लिए देखेंगे तो ये हो गया आपका बी, हमको साइन में तो बी चाहिए नहीं पी चाहिए, ये हो गया पी और ये हो गया आपका एच, यानी बी सी बटा ए सी है, क्या है दोस्तों, देख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो वैल्यू है ना दोस्तों वो सी के लिए भी वही आया, साइन ए के लिए भी मैच कर गया। अब मैच कर गया इसका मतलब क्या हो गया, कोस सी इज इक्वल टू साइन ए, तो कोस के जगह पे कोस लिखिए, सी के जगह पे सी में जो एंगल स्थिर है आप उसको लिखिए, तो सी में कौन स्थिर है, देखिए ना सर यहाँ दिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ए में देखिए कौन स्थिर है, थीटा है तो थीटा दीजिए, कौन सा फॉर्मूला बना दोस्तों, दिख रहा है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, देखिए फिर यहाँ डिग्री छिटो हुआ, आप डिग्री लगा सकते हैं, थोड़ा दूर हो जाता है आप नज़दीक से भी लगा लीजिएगा, चलेगा ना, ठीक। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला हम देख रहे हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो अभी इसको बनाने के लिए सीखेंगे ना हम लोग, चलिए सीखते हैं, कोसेक यानी कि एच बटा पी है ना, होता है दोस्तों। चलिए तो सी पॉइंट में आना है कि ए पॉइंट में आना है, तो पहले देखिए एक बार हम ए पॉइंट में आएंगे, ए पॉइंट में देखेंगे यानी इसमें देखेंगे पी कौन है, बी सी, एच तो हमेशा जिंदाबाद है, एच को ऊपर रहने दीजिए, सिर्फ हमको पी देखना है ना, तो बी सी है, यानी कोसेक ए का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, यानी कोसेक ए का वैल्यू आपका ये हो गया। चलिए एक बार सी के लिए देखते हैं, यानी सेक सी के लिए, सेक के लिए क्या होता है एच बटा बी, तो हमको बी ढूंढना है किस में, सी पॉइंट में, चलिए सी पॉइंट में देखिए बी कौन है आपका, बी सी है, बी सी है ना, चलिए इसको पुट कीजिए, पहले एच एच के रूप में तो ही है, बी रूप में क्या मिला आपका, बी सी है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ए सी बटा बी सी जो है ना कोसेक ए के लिए और सेक सी के लिए दोनों का वैल्यू सेम है, मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कोसेक ए बराबर सेक सी, है ना दोस्तों। चलिए अब एक में कौन सा एंगल स्थिर है, थीटा, थीटा लगाइए, सी में कौन सा एंगल स्थिर है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए कोसेक थीटा बराबर
सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फॉर्मूला मिला ना दोस्तों। चलिए ये तो समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखेंगे सेक ए, सेक तो आप जान रहे हैं एच बटा क्या होता है, वी होता है, तो एच कोसेक में क्या होता है, एच बटा पी होता है। अब दोनों में एच सेम है, चलिए दोनों के लिए कॉमन एच आप ऐसी है, नीचे ही चेंज है सिर्फ। चलिए हम बी देखेंगे, जब ए पर रहे थीटा तो बी कौन रहेगा, ए बी, चलिए ए बी है। जब सी पर रहे थीटा तो पी कौन रहेगा, ए बी, हमको पी चाहिए, देखिए ए बी है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, सेक ए और कोसेक सी दोनों का वैल्यू सेम है, यानी दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेक ए बराबर कोसेक सी, तो ए में जो थीटा अस्थिर है उसको लिखिए और सी में जो थीटा लेज किया हुआ है आप उसको लिखिए। तो कौन सा फॉर्मूला मिल गया दोस्तों आपको, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए फॉर्मूला नंबर 4 मिल गया, चलिए आगे देखते हैं फॉर्मूला नंबर 5 को प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे टेन और कोट, टेन ए और कोट सी, तो टेन इक्वल टू क्या होता है, पी बट्टा बी, हमको पी और बी चाहिए, कहाँ पे चाहिए, ए में। तो देखेंगे ए में पी के रूप में क्या है, बी सी, बी सी लिखें, बी के रूप में ए बी, ए बी लिखें, समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कोट सी, यानी कि सी पॉइंट में आना है, तो कोट का क्या होता है दोस्तों, बी बटा पी। चलिए यहाँ पे देखिए सी में बी कौन है आपका, बी सी, बी सी है क्या, मैच कर रहा है। पी कौन है आपका, ए बी, ए बी भी मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, टेन ए का वैल्यू कोट सी का वैल्यू क्या है आपका, बी सी बटा ए बी, मतलब समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यानी कि टेन ए कोट सी क्या हो गया आपका, बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए में जो थीटा लाइज कर रहा है आप उसको लिखिए, ए में क्या कौन सा एंगल है, थीटा लाइज किया, सी में कौन लाइज किया हुआ है, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब यहाँ पे क्या मिल गया आपको, टेन थीटा इक्वल टू कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, फॉर्मूला नंबर 5 मिला ना, आसान है ना दोस्तों। अब हम कंपेरिजन करेंगे कोट ए और टेन सी में, कोट ए, कोट ए में क्या मिलेगा दोस्तों, आप तो जान रहे हैं कोट का क्या होता है, बताइए, बी बटा पी। तो ए में देखिए आपका बी कौन है, ए बी है, ए बी लिखा हुआ है, पी देखिए कौन है, बी सी है, बी सी लिखा हुआ है। अब बारी है टेन सी की ओर से देखेंगे, तो सी में देखिए टेन का क्या होता है, पी बटा बी, तो पी देखेंगे सी में, देखिए यहाँ पे सी में बी कौन है, ए बी है, यहाँ पे बी कौन है आपका, बी सी है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोट ए और टेन सी आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए ए में जो एंगल लाइज किया हुआ है थीटा और सी में जो एंगल लाइज किया हुआ है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो फॉर्मूला नंबर 6 क्या मिला दोस्तों आपको, कोट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये तो समझ में आ गया। चलिए अब ये सभी को हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पे इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं वो हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा लग रहा है ना, आप अंतिम समय तक जरूर देखिएगा, अभी और मज़ेदार चीज़ है, अभी सीखेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। चलिए आते हैं, अब देखेंगे अभी हमने जितना सारा टॉपिक्स देखा उससे रिलेटेड क्वेश्चन सैंपल्स कैसा होता है वो अभी हम बारी से देखेंगे और उसको हम लोग समझेंगे। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन में रहा, दूसरा क्वेश्चन भी स्क्रीन में नज़र आ रहा है। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर रेड कलर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम है जो अभी हमने बताया, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्यों दोस्तों, ऊपर वाला क्वेश्चन जो 1 मार्क का, इसका कैलकुलेशन थोड़ा छोटा है और इसका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, आपका एनसीईआरटी में ये सब क्वेश्चन है। तो मैंने इस वीडियो को शुरुआत में क्या बोला था, अभी हम लोग क्या सीखेंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, जो टॉपिक अभी बताया ना दोस्तों वो 3 मार्क्स कंप्लीट हो गया, समझ लिए, 3 मार्क्स से रिलेटेड सारा टॉपिक्स हम लोग का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। अगर वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 का आप ऐड कीजिएगा और दोनों का जो कंसेप्ट है दोनों को मिलाइएगा तो आपको कितना हो गया, 6 मार्क कंप्लीट हो गया। एक्चुअली
सिक्स मार्क्स का जो हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है सिक्स मार्क का, वो जो है आपको अभी वीडियो नंबर 1 और 2 ये दोनों का कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो इसी कंसेप्ट से ही सिक्स नंबर भी आ जाएगा, यानी कि ये दो वीडियो से हमारा टोटल 12 नंबर का क्वेश्चन और 12 नंबर का मार्क्स हम लोग उठा सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग अब सीखेंगे यहाँ पे कि सर आप तो फुचक जा रहे हैं। दोस्तों हम फुचक नहीं रहे, एक्चुअली अब इस सबको फॉर्मूला को हम यूज कैसे करेंगे वो कन्फ्यूजन खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको हम लोग देंगे इस वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। तो दोस्तों ये सभी का सोल्यूशन आप एक बार करके देखिएगा, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में ये सभी का सोल्यूशन विथ चैप्टर विथ रियल क्वेश्चन नंबर के साथ मैं फिर कल हाजिर होऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, और जाने से पहले हमारे वीडियो को आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी को दबा दें और कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस हम लोग सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।